अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट आज इस मौजूदा दौर के अंदर हर शख्स को जो है करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर शख्स को जो है कोई ना कोई किसी न किसी जो है वो मसाइल के अंदर जो है वो मुबतला है, चाहे उसको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे उसको प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे उसको जो है एजुकेशन जो है फील्ड से रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे उसको जो है जॉब से रिलेटेड इशूज़ हैं, चाहे उसको जो है मैरिटल प्रॉब्लम से रिलेटेड इशूज़ हैं, कोई भी किसी भी किस्म के इशूज़ हो सकते हैं। और इशूज़ के लिए जो है अपनी मेंटल हेल्थ को जो है बेहतर रखने के लिए और जो है उनके सोल्यूशन के लिए जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे कल्चर के अंदर जो है ये होता है कि जो शख्स जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है करवाने का सोचता है उसे दो चार लोग जो है मशवरा दे रहे होते हैं, भाई आप साइकोलॉजिस्ट के पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाने जा रहे हो? ओ यस भाई, वो तो पागलों का इलाज करते हैं, आप क्या लेने जा रहे हो, आप तो ठीक हो, मैं करता हूँ आपको असेस, मैं हूँ बैठा हूँ, मैं करता हूँ, क्या पता हो क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, क्या गोल्स हैं, क्या टास्क हैं, मैं करता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल। साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना है, बातें करनी है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो जो है ये चीज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि हर शख्स जो है साइकोलॉजिस्ट है इंस्टेड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। हर घर में जो है वो बंदा जो घर में थोड़ी सी समझदारी की बात करता है वो कहता है भाई मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, मैं आपको जो है साइकोलॉजिकली असेस कर सकता हूँ। लेकिन फिर इससे ये होता है कि बहुत सारे मसाइल जो है जन्म लेते हैं, क्योंकि जिसका काम है उसी को साधेगा, वही काम अच्छा कर सकता है। एक मिस्त्री है, अगर वो जो है जनाब घर बनाने की जगह जो है जनाब कोई और काम करना शुरू कर दे, ठीक है, वो बर्गर बनाना शुरू कर दे, तो क्या वो बर्गर बना लेगा? कभी भी नहीं बना पाएगा। और अगर पिज्ज़ा बनाने वाला जो है घर में जो है अच्छी सी बिरयानी की जो है उम्मीद लगा के बैठा है, अगर मैं पिज्ज़ा बना लेता हूँ तो मैं बिरयानी भी अच्छी से अच्छी बना लूँगा, तो वो भी नहीं बना पाएगा। जिसके पास जो स्किल्स हैं वही स्किल्स जो है वो यूटिलाइज करते हुए आपकी मदद कर सकता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है अगर कोई भी किसी भी शख्स को जो है किसी भी किस्म के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उन इश्यूज के लिए वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो विजिट करे। और जो है अगर कोई भी किसी भी शख्स से जो है उसे इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो वो जो है उसे जो है सिर्फ और सिर्फ इधर से सुने इस कान से और इधर से निकाल दें, क्योंकि अगर जो है वो सुनकर दिल में बिठाना शुरू कर देगा, माइंड में जो है सवाल करना शुरू कर देगा, वो तो जो है पहले ही जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है वो जिसकी वजह से जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा कि मुझे जो है इस प्रॉब्लम के लिए जो है सोल्यूशन मिल जाए, मैं जो अपनी साइकोलॉजी का असेसमेंट कर लूँ कि जो है शायद जो गोल मैं जो है फ्यूचर में जो है वो बना रहा हूँ कि मैं अचीव कर सकता हूँ, जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरे लिए सूटेबल है, मैं जिन मसाइल के साथ जो है वो जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो मैं उन्हें उन मसाइल से निकलना कैसे। तो एक ऐसा इंसान जो आपके साथ जिंदगी गुजार रहा है या जो है आपकी लाइफ में जो है वो किसी न किसी तरह जो है इंटरफेयर कर रहा है, अगर वो आपकी पर्सनल लाइफ को जो है मजीद जो है इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो मसाइल है, तो किसी की बातों में नहीं आ रहा, ठीक है। मेंटल हेल्थ हमारे आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जो है हर शख्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है वो जो है ईजीली, जैसे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर ट्रेंड है ना कि कोई मसला आया तो जो है जनाब उठे उनका जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले गए हैं, इसी तरह किसी भी हेजिटेशन के बगैर जो है वो उठें और उठकर जाएं और जाकर जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जो है अपनी असेसमेंट करवाएं, किसी भी किस्म की जो है टास्क के लिए, प्रोफेशनल फील्ड के इंतखाब के लिए, पर्सनल इंतखाब के लिए, जॉब के इंतखाब के लिए, या लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जो है कैसे बेहतर करना है उनके इंतखाब के लिए जो है वो साइकोलॉजिस्ट का जो है इंतखाब कर सकते हैं, ताकि जो वो उन्हें बेहतर से बेहतर जो है सोल्यूशन बता सके। साइकोलॉजिस्ट के ऊपर जो टाइटल टैग और समथिंग ये चीज़ें होती हैं, बस इन टाइटल और टैग्स को जो है हम ऐसे ही मिनिमाइज कर सकते हैं अगर पेशेंट और फैमिली मेंबर जो है साइकोलॉजिकल हेल्थ को या मेंटल हेल्थ को जो है सामने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए जो है अपने इलाज के लिए विलिंग हो, अपने मसाइल के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए विलिंग हो और जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू कर दें। अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में इजाफा होगा, और आज इस मौजूदा दौर के अंदर
बहुत सारी जो है प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो बढ़ रही है, और जो इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आजकल जो है पैदा होने वाला बच्चा भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर चला जाता है। पहले कभी हम ये सुना करते थे अपने बड़ों से कि उसका बेटा 30 साल 40 साल की उम्र में जाकर, 50 साल की उम्र में, या वो शख्स जो है 40 50 साल की उम्र में जाकर जो है थोड़ा सा जो है फिजिकली और जो है साथ में जो है मेंटली डिस्टर्ब होगा। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जो है साइकोलॉजिकली जो है डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। बहुत सारी वजुहत है, हमने वो वजुहत जो है आइडेंटिफाई करके मिनिमाइज कर ली है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे ना कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।